मैहर में महिला को अर्धनग्न कर घुमाने वाले बदमाशों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। पुलिस ने इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खैरा गांव में शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर मामा का बुलडोजर चल गया। महिला को अर्धनग्न कर गांव घुमाने के मामले में 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मैहर SDM धर्मेंद्र मिश्रा की अगुवाई में प्रशासन ने 2 आरोपियों के घर बुलडोजर चला दिया है और घरों को जमींदोज कर दिया। मुख्य आरोपी ऋषि पटेल और महेंद्र पटेल के घरों पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों का घर सरकारी जमीन पर बना हुआ था, बाकी अन्य आरोपियों के घरों के राजस्व रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सोमवार की शाम ही SDM ने आरोपियों को नोटिस जारी किया था, उसके बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं महिला के साथ अभद्रता मामले में लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, जो अपराधिक रूप से लोग हैं और घृणित अपराधों में शामिल हैं, उनके द्वारा एक शासकीय भूमि अतिक्रमण किया गया, उसे हटाया गया, उसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पर 3 लोगों के अतिक्रमण हटाए गए जो शासकीय भूमि नहीं। अभी तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अपराधिक रूप के लोग हैं, अभी उन पर कार्रवाई की गई है जो उनके शासकीय भूमि अतिक्रमण थे। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिवस में यहाँ पर एक घटना हुई है, उसी के तारतम्य में जो अपराधिक रूप के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, बाकी अगर जरूरत पड़ी तो चिन्हित करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।